नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। अपने सुहाग की रक्षा, सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु होने की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने शुक्रवार को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत कर वट वृक्ष का पूजन किया। इसको लेकर सुबह से ही सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की तैयारी शुरू कर दी और वट सावित्री पूजन के लिए मंदिर या आसपास में स्थित बरगद के वृक्ष के समक्ष जाकर पूजा अर्चना की, जबकि वट वृक्ष के समक्ष पूरे विधि विधान से पूजन कर सुहागिनों ने अटल सुहाग के लिए वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा धागा बांधा। वहीं इसको लेकर भागलपुर में सुबह से ही मंदिरों और वट वृक्ष के समीप वट सावित्री पूजन के लिए महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जहां काफी संख्या में उमड़ी भीड़ के बीच सुहागिनों ने वट वृक्ष की पूजा कर कच्ची डोर बांधी और अपने पति के लंबी आयु के साथ परिवार के सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। बता दें कि वट वृक्ष को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिसमें इस पेड़ की लंबी नीचे की ओर से झूलती शाखाएं देवी सावित्री का रूप मानी जाती है, जबकि यह भी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में भगवान शिव का निवास होता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष की छाव में ही देवी सावित्री ने सतीत्व के बल पर अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवित किया था, जिसको लेकर महिलाएं अपने अचल सुहाग की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को वट वृक्ष की पूजा के साथ सती सावित्री की पूजा कर अपने सुहाग की मंगल कामना करती है। जी जी, वट सावित्री पूजा करने पहुंचे हैं पति के लंबी उम्र के लिए। बहुत महत्व इस पूजा का, अपने पति के लंबी उम्र के लिए तो सभी करता है, तो हम लोग भी पूजा करने आए हैं वट सावित्री पूजा। हाँ, पूजा कर ली, बहुत अच्छे से पूजा कर ली। देखिए सब मिल के पूजा किए हैं, बहुत ज्यादा खुश है। देखिए सोना पड़ता है, 16 श्रृंगार करना पड़ता है। एकदम सुबह उठ के आप लोग 3 बजे मॉर्निंग में ही उठे हैं, तभी भीड़ में ही फंस गए, बट अच्छे से पूजा हो गया। सर पूजा के लिए तो सब रातें से लोग कल से ही परेशान रहता है, मेहंदी वगैरह ये सब लगाते लगाते सामान सरियाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, फिर सुबह होता है अपना पूजा करने आ जाते हैं। बस हम सब का यहाँ पे पूजा खत्म हो गया। क्या मांगे अपना पति का सुरक्षा के लिए पूजा ही करता है। न्याय के देवता शनि देव की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को देश भर में धूमधाम से शनि जयंती पूजन समारोह मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र शनि देव का जन्म हुआ था, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को शनि देव की जयंती मनाई जाती है। वहीं शनि जयंती के अवसर पर स्नान दान कर शनि देव की पूरी विधि विधान से पूजा का विशेष महत्व है, जिससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। बता दें कि शनि देव की पूजा सरसों तेल से स्नान कराकर की जाती है और न्यायप्रिय देवता शनि देव अगर किसी की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे शनि देव की बुरी दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता है, जिससे शनि ग्रह के प्रभाव से भी रक्षा होती है और शनि दोष से भी छुटकारा मिलता है। वहीं भागलपुर के सीसी मुखर्जी रोड स्थित शनि देव मंदिर समेत जिले के विभिन्न शनि मंदिरों में शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने शनि देव की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिरों का फूल मालाओं से भव्य सजावट भी किया गया था, जहां हर आयु वर्ग के पुरुष, महिला, युवक, युवती और बच्चों ने भगवान शनि देव को सरसों तेल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना की। आज जो है शनि बाबा न्याय के देवता हैं। जो आदमी तन मन सच्चे भावना से शनि देव की आराधना करते हैं उसे हर तरह का न्याय मिलता है, इसलिए लोग शनि बाबा की आराधना करते हैं। यह आराधना ज्येष्ठ मास अमावस्या तिथि को संपूर्ण होता है। आज हमारे यहाँ ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को शनि जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग 1 सप्ताह पहले से ही इनकी पूजा अर्चना पर ध्यान देते हैं और इनके सामान को एकत्रित कर मंदिर को सजाते हैं। 1 रोज़ पहले यानी कल हम लोग रात्रि में सभी कार्यकर्तागण
मंदिर पहुँचते हैं। शनि भगवान के पूजा का नियम यह है, सूर्योदय के पहले ही यह पूजा समाप्त हो जाना चाहिए। जो आदमी शनि की उपासना करते हैं उन आदमी को सूर्योदय के पहले ही शनि बाबा को जल चढ़ाना चाहिए। भागलपुर सुल्तानगंज के अजकैवीनाथ गंगा घाट पर गंगा स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण पूर्णिया निवासी एक व्यक्ति की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। डूबे व्यक्ति की पहचान पूर्णिया भट्टा बाजार निवासी 40 वर्षीय रंजन कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रंजन कुमार भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्बा पंचायत नियामतपुर गाँव अपने रिश्तेदार के यहाँ श्राद्ध क्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं श्राद्ध क्रम के बाद रंजन कुमार अपनी पत्नी जूली देवी और परिजनों के साथ गंगा स्नान करने अजकैवीनाथ गंगा घाट पहुंचे थे, जहां स्नान के दौरान गंगा के गहरे पानी में चले जाने के कारण रंजन कुमार नदी में डूब गए। इधर घटना की सूचना मिलने पर सुल्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी लेकर SDRF की टीम को गंगा घाट पर बुलाया, जिसके बाद नदी में रंजन कुमार की खोजबीन शुरू की गई। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई चौक के समीप वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक की ट्रैफिक पुलिस कर्मी से ही भिड़ंत हो गई। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले को चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस द्वारा चालान काटा जाता है और शुक्रवार को इसी क्रम में घुरन पीर बाबा के पास ट्रैफिक सार्जेंट रामबचन कुमार के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जहाँ ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट लगाए बाइक से जा रहे युवक को रोककर चालान कटाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की नसीहत दी। वहीं इसके बाद युवक काफी आक्रोशित हो गया और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बहस शुरू कर दी। इसके बाद ट्रैफिक सार्जेंट रामबचन ने युवक को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक खुद को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए उल्टा पुलिस को ही रौब दिखाने लगा। इस दौरान युवक ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा वीडियो बनाने पर उनकी मोबाइल छीन लिए और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। वहीं युवक का नाम सोनू कुमार बताया जा रहा है, जो जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदमपुर का रहने वाला है। बता दें कि जाम की समस्या से छुटकारा और रेड लाइट नियमों का अनुपालन कराने के उद्देश्य से सरकार और प्रशासन के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, लेकिन अक्सर पुरुष हो या महिला पुलिसकर्मी, इन सभी को लोगों द्वारा बदतमीजी और बदसलूकी का सामना करना पड़ता है, जबकि आम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात इन पुलिसकर्मियों के कार्य में बाधा डालने के साथ नियमों की अनदेखी को सही नहीं ठहराया जा सकता है। भीषण गर्मी और जलस्तर के काफ़ी नीचे चले जाने के कारण भागलपुर के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। इसके कारण लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और दूर दराज या दुकानों से खरीदकर लोगों को पानी लाना पड़ता है। इसको लेकर भागलपुर भाजपा के द्वारा नर सेवा नारायण सेवा के भाव से जल सेवा की शुरुआत की गई, जिसमें गौशाला परिसर से शुक्रवार को जल ही जीवन है कार्यक्रम के तहत भीषण गर्मी में कोई प्यासा न रह जाए इसके लिए पिकअप वैन शहर के अलग अलग क्षेत्र में रवाना किया गया। यह वाहन शहर के हर क्षेत्र में जाएगा, जहां लोगों को पेयजल मुहैया कराया जाएगा। वहीं इस अभियान का शुभारंभ भागलपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सह विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे ने की। इसको लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने बताया कि उनकी पार्टी राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करने के साथ सेवा भाव और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है और शहर में बढ़ते जल संकट को देखते हुए हर गली मोहल्ले में वैन के द्वारा लोगों तक पेयजल पहुँचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ शुरू किए गए इस अभियान के तहत भीषण गर्मी में कोई प्यासा ना रह जाए, यही उन सभी का उद्देश्य है। मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष साह, संयोजक शरद सलारपुरिया, ओम भास्कर समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सेवा भी हमारा धर्म है और इसके नाते हम सभी कार्यकर्ता अपने जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। उसी क्रम में एज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भागलपुर विधानसभा के अंदर ऐसे जहाँ पेयजल का अभाव है, पीने के पानी का अभाव है, वहाँ पर यह प्रयास किया गया है। अभी हम लोग एक पहल किए हैं कि वहाँ पर पिकअप के माध्यम से और इसमें पानी का टंकी रहेगा और उन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। यह अभी एक हम लोग ट्रायल के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि अगर सफलता लगे कि नहीं सफल हो रहा है तो और हम लोग प्रत्येक मंडल में एक एक गाड़ी जो है मतलब इस विधानसभा के
चार मंडल में, दो मंडल में तो अभी दो दो मंडल पर एक गाड़ी दिए हैं, और जब इसका देखेंगे कि आगे अच्छा परिणाम आ रहा है तो उसको और दो गाड़ी और बढ़ाने का काम हम सभी लोग करेंगे। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग बाईपास टीओपी क्षेत्र अंतर्गत पहचानी चौक पर ऑटो और चार पहिया वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके कारण ऑटो में बैठे पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसके बाद ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया गया, जबकि इनमें से दो घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर की तरफ से आ रहे चार पहिया वाहन का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिसने भागलपुर की ओर से जगदीशपुर जा रहे ऑटो को अचानक टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार सभी यात्री घायल हो गए। उसमें जो आना दो को ढेर सीरियस है और तीन को जो है कम से सब बचा के भेज दिया। मैं कौन पिया कौन था, ऑटो ड्राइवर या फिर फोर व्हीलर? चार चक्का वाला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।